इस युग विच मनुख का जेड़ा अवगुण प्रधान है उसका जिक्र पै करते हर समय हर युग विच एक अवगुण प्रधान आता है। यह मैं अर्ज कर दें, बाकी अवगुण भी होंगे, वो जेर साया आते हैं, एक अवगुण प्रधान आ हर व्यक्ति विच बहु गिनती विच इक्को ही तरह का औगुण मनुखता दे अंदर प्रधान होवे 60-70 फीसदी दे अंदर उस नाल फिर तुलना की जाती है इस युग का औगुण केड़ा है। हर युग का अपना गुण होंदा है, हर युग का अपना औगुण होंदा है, हर व्यक्ति का भी बुनियादी गुण कोई एक अद आता है, बाकी गुण उसके जेर साया आते हैं। हर व्यक्ति का बुनियादी अवगुण एक आता है, बाकी सारे अवगुण उस एक अवगुण के पिछे चलते हैं। श्री रविदास ने जो इशारतन गल की थी है, इन्हों जगत गुरु बाबा वकत दे अवतारी पुरश इस युग दे अवतारी पुरश धन गुरु नानक देव जी महाराज जिस तरह खोलते ने, यह मैं थोड़े सामने रखा पूर्ण तौर पर उन्होंने बोलों मैं खोल सकांगा, यह तो समर्था नहीं, पर कुछ जो सतगुरु ने शक्ति ते प्रेरणा जिस तरह की प्रदान की थी, मैं थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहा हूं। कल कल वाली काम मद जिन्होंने कभी सिलसिलावार धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पाठ किया है, ये आया होगा वाक श्लोक मरदाना पहला। बहुत सारे ऐसा कहने ने वाक मरदाने का है, और जो पहला जो लिखे है फिर उस तो की लोगे। बोल गुरु नानक देव जी का है, मरदाने दे प्रति उच्चारण किया है। जैसे सारंग राग दे शब्द गुरु अर्जन देव जी का है, सूरदास दे प्रति उच्चारण किया है। कुछ गिला मरदाने ने मनुखता बारे किया, शहर के बंदियां बारे साहब जिस ढंग नाल युग की तस्वीर खिंचते पे ने, वह ध्यान नाल सुनना। कल कल वाली ए युग कलाली है, कलाल उसनों कहने जो शराब बनांदा है ते शराब बेचदा है। अज ते बनदी कारखानिया दे चे बेकदे दुकानदार ने, पर प्राचीन काल दे च बनाना ते बेचना एको ही मनुख दा काम होंदा सी, उहनू कलाल कहिंदे सी। कलाल महाराज कहिंदे ने इह जिहड़ा युग है ना कलाल है, शराब बनांदा है, शराब पिलांदा है, बेचदा है। किहड़ी शराब किस तो बनांदा है? शराब कई प्रकार की, गुड़ तो बनती है, गुरां तो बनती है, संतरियां तो बनती है, वख वख शराबां। ये युग जिहड़ी शराब पिलांदा है किस तो बनांदा है? वो शराब की है? एक शराब जो तन पींदा है, तन सुन हो जाता है, दिमाग सुन हो जाता है, समस्यावां नाल संबंध टुट जाता है, टुट जाता है। शायद आपनों पता होवे धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी
और भाई साहब भाई नंद लाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जफरनामे विच प्रभु दे नाम नू शराब नाल तशबीह देंदे ने। नशा एक नशा जन्म साखी दियां ये पंक्तियां ते जगत प्रसिद्ध ने नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये शराब बनती किवें भगत कबीर जी ने तो डंग भी दस दिता है गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर मऊआ पाओ भाटी तन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा पाओ धो मेरा मन मतवारा उन मन चढ़ा मदन रस साखिया त्रिभुवन भया उजारा। और मैं जो कुछ आपके सामने इस वक्त विचार रखनी है उस तो किधरे ओले ना हो जावा, लेकिन इतनी गल स्पष्ट है मनुख नू नशा चाहिए चाहिए। एक नशा जो मनुख नू मन तो थल्ले ले जांदा है, एक नशा जो मनुख नू मन तो ऊपर ले जांदा है, मन थल्ले ले जांदा। एक नशा जो मनुख दियां चिंतावां ते दुखां नूं भुला देंदा है, एक नशा जो मनुख दियां चिंतावां ते दुखां नूं मिटा देंदा है खत्म कर देंदा है। जिहड़ा नशा मन तो थल्ले ले जांदा है ये शराब बाजार विच बिकदी है पैसिआं नाल मिलदी है। जेड़ा नशा मनुख नू मन तो भी पार बहुत उपर लै जांदा है ये बिकदे ही नहीं, स्वयं बनानी पैंदी है, आप बनानी पैंदी, आप बनानी पैंदी, आप पीनी पैंदी है, आप बनानी पैंदी है। इस वास्ते करीबन करीबन विद्वानों ने प्रभु दे नाम नू भी एक नशा आख्या है, पर बेहोशी दा नहीं होश दा नशा। एक नशा मनुख दे सारे होशो हवास नू भुला देंदा है सुला देंदा है, एक नशा मनुख नू पूर्ण होश दे च लियांदा है सारे होश जगा देंदा है। या ते मनुख नू पूर्ण होश चाहिदा है या बेहोशी विचकार दी अवस्था दुखदाई है, विचकार जीवना कठिन है। इकबाल कहिंदे ने हर चंद हो मुशाहिद हक की गुफ्तगो, हक आपस च बैठ के किधरे सच दी गल करिए हक दी गल करिए ते उहदे बारे कोई तशबीह देनी पै जाए हक कैसा हुंदा है सच कैसा हुंदा है सच की है। हर चंद हो मुशायद हक की गुफ्तगो, तुलनात्मक गल करनी होवे खुदा दी तुलना देनी होवे सच दी तुलना देनी होवे हक दी तुलना देनी होवे। हर चंद हो मुशायद हक की गुफ्तगो, बनती नहीं है सागरो मीना कहे बगैर। हक कैसा होंदा है खुदा कैसा होंदा है सच कैसा होंदा है। इकबाल भी कहिंदा एक नशा, एक नशा एक सरूर एक मस्ती एक नशा, पर पूर्ण होश दा नशा जो चिंतावां ते दुखां ते पापां नूं मिटा देंदा है। एक नशा बेहोशी दा नशा जो दुख संताप भुला देंदा है चिंतावां भुला देंदा है और वक्ती तौर ते भुलांदा है बार बार पीनी पैंदी। धन गुरु नानक देव जी महाराज जो कुछ इत्थे कह रहे ने कल कल वाली ए युग कलाली है, कलाल है इहदे कोल केड़ी शराब है कल कल वाली काम मद
मनुआ पीवण हार, पींदा मन है शराब है कामना दी काम दे। तुम कई यत हो जगत गुरु स्वामी, हम कई यत कल जुग कहे कामी। इशारन इशारा रवदास भी कर दे पहने, ए युग कामे युग है, प्रधान है कामनावा प्रधान है। अब दी ज्ञातले अर्ज करा, कामनावा दे केंद्र तिन ने, अहंकार आश्रित, लोभ आश्रित, काम आश्रित। इसने फिर इस तरह कहंदे ने, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना, केंद्र तिन ने, वासना दे कामना दे केंद्र तिन ने, अहंकार लोभ काम। वासना दा स्वभाव की है, जो कोल है उन्हों नहीं देखती, जो नहीं है उन्हों देखती। कामना दी फितरत की है, जो कोल है उन्हों नहीं देखती, जो नहीं है कोल उन्हों देखती है। जो नहीं है वो भी हो जाए कोल, फिर कामना अग्गे चली जाती है, वासना अग्गे चली जाती है। जो हुण भी कोल नहीं है उन्हों देखण लग पैंदी। थोड़े विच जिहड़े अभ्यास करदे होणे ने, थोड़ा अपने नेड़े आंदे होणगे, जरूर पता चलदा। वासना दा अपना सुभाव है, जो कोल है उन्हों नहीं देखदी, जो नहीं है उन्हों देखदी है। और इहदे केंद्र तिन ने, अहंकार लोभ काम। तो फिर इंज कहिंदे ने, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। अहंकार वासना प्रभुता मंगदी है, लोभ वासना पदार्थ ही मंगदी है, काम वासना रूप मंगदी है। किड़ा रूप मंगदी है, केड़े पदार्थ मंगदी है, केड़ी प्रभुता मंगदी है, जो कोल नहीं है, नहीं है। जो है उन्हों वासना देखदी ही नहीं, देखदी नहीं। इस संबंध च एक होर नुक्ता सुन लो। जद मनुख जमीन नु वेखे इन झुके, आसमान नहीं वेख सकता। ते जद इंज आसमान नू वेखे तो फिर जमीन नहीं वेख सकता। एको ही समय च जमीन ते आसमान दोवें नहीं देख सकेगा, नहीं देख सकेगा। दूसरा उदाहरण, जद झुक के किसे दे पैरां नू वेखिए गौर नाल, उदा मुखड़ा नहीं वेख सकांगा। ते उदे मुखड़े नू देखिए सिद्धा तो फिर उदे चरण नहीं देख सकांगा। ऐना ही करना, एको ही समय एको ही नजर दे च उहदे पैर भी दिखाई देन, उहदा मुखड़ा भी दिखाई देवे नहीं। कुदरत ने यह तौफीक अखां नूं दित्ती नहीं, नहीं दित्ती। या झुक के जमीन वेख ले, या सिर उच्चा करके आसमान वेख ले, या नजरां किसे दे पैरां ते टिका दे, या नजरां किसे दे मुखड़े ते टिका दे। तुसीं तजर्बा करके वेख लेना, दोवें इकट्ठे नहीं वेख सकोगे। मुखड़ा ते चरण, आसमान ते जमीन, जो जमीन नूं वेखोगे आसमान नहीं दिखाई देगा। जितने चिर तक वासना पदार्थ दी चलदी है, उतने चिर तक परमात्मा भी एक वासना का विषय होगा। परमात्मा परमात्मा नहीं है, नहीं है। और हिरदे की शुद्धि भी नहीं होगी अगर वासना करके मैं पाठ कर रहे हैं, वासना करके मैं दान कर रहे हैं, वासना करके मैं पुन कर रहे हैं। इस पुन नाल हिरदा पावन भी नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, क्योंकि वासना।
इस पुन नाल हिरदा प्रभु नाल जुड़ेगा ही नहीं। कारण वासना ते उदा केंद्र अहंकार है, लोभ है, काम है। मैं फिर दोहरावा, अहंकार आश्रित, लोभ आश्रित, काम आश्रित मनुख दे अंदर वासना चलती है। अहंकार आश्रित चलती है फिर वो केंद्र बदल लेंदी है, कुर्सी बदल लेंदी है। फिर लोभ आश्रित चलन लग पैंदी है, फिर वो सिंहासन बस बदल लेंदी है, काम आश्रित चलन। कामना मनुख दे अंदर हर वक्त है, वासना हर वक्त है। अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना, यह वासना जो है उन्हों नहीं देखते, जो नहीं है उन्हों देखते। जिड़ी कुर्सी है उन्हों नहीं देखते, उसे तो बैठे ही है, जिड़ी नहीं है उन्हों देखते। जिड़ा पदार्थ है उन्हों नहीं देखती, उते जेब लेच है, जो नहीं है उन्हों देखती है। ये वासना का स्वभाव है। इसनों इस ढंग नाल मैं बयान करदा हूं ना, जब नजर किसी के पैरों नूं वेखन ते मुखड़ा नहीं देख सकती, जे मुखड़े नूं वेखन ते पैर नहीं देख सकती, जे नजर जमीन नूं वेखन ते आसमान नहीं वेख सकती, जे नजर आसमान में वेखन फिर जमीन नहीं वेख सकती। इको समय दोहां नाल संबंध नहीं जुड़ता। अंदर वासना भी रख लईए तो आखिए धार्मिक, वासना ग्रसया मनुख अधार्मिक है, चाहे कुछ भी करे, कुछ भी करे। मैं अर्ज कर दिया, मजबूरी है ये, ठीक है। संगत देच एक क्लास दे सत्संगी नहीं आते, जिमें एक सकूल है, उन सकूल तो एको ही है, उदी यूनिफॉर्म भी एको ही है, पर क्लासा एक नहीं ने। कोई पहली क्लास जा रहा है विद्यार्थी, कोई दूजी च, कोई तीजी च, कोई चौथी च, कोई पंजवीं च, कोई हाई क्लास दसवीं च बैठे। सत्संगी एक क्लास दे नहीं आते, कोई तो वाकई हाई क्लास दे आते, कोई मिडल दे चाहुंदे ने, सतवीं अठवीं आउंदे, कोई पहली क्लास दे आउंदे ने, ते कुछ विचारे इस तरह दे ने जिन्हें हुणे नवा नवा एडमिशन लिया, दाखला लिया, पहली दफा ही आया, कुछ भी नहीं पता, मत्था टेके बैठ गया, आया या चला गया। तो कीर्तन कथा सारे सत्संगी को एक ढंग नाल सुनते ने, क्यों? सारे सत्संगी एक ढंग दे होंदे ने, सब प्याले अलग अलग ने, ये भी मैं एक ढंग दे नहीं होंदे। हर एक मनुख की समस्या तो है, पर हर मनुख की समस्या अलग अलग है, अलग अलग, अलग अलग है। तो ये जो शब्द है धन गुरु नानक देव जी महाराज का, उन्हां सत्संगियां लई है जिन्हां दा दाखला हाई स्कूल दे दसवीं च हो गया, जो उच्ची क्लास दे च आके बैठ गए ने। साधना करदिआं करदिआं समझ आ गई है कुछ। जितने चिर तक अंदर वासना पई चलती है, मैं सारा दिन पाठ करा, जप करा, तप करा, ये सब संसारी कर्म है, धार्मिक नहीं है। कामना करके मैं गुरुद्वारे आवा तो गुरुद्वारा बाजार बन जाएगा, कामना करके मैं गुरुद्वारे आवा गुरुद्वारा मार्केट बन जाएगा, कामना करके मैं गुरुद्वारे आवा गुरुद्वारा एक फैक्ट्री बन जाएगा। फैक्ट्री बाजार विच जाना मैं कोई संसारिक वस्तु लई, मैं गुरुद्वारे भी गया किसी संसारिक वस्तु लई।
मैं गुरुद्वारे गुरु लई नहीं गया, मैं गुरुद्वारे प्रभु लई लई गया। मेरी वासना है, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। और सुनो, ये वासना जद असीम हो जाए, भाव जिस दी वासना है वो मिल गई, वासना फिर अग्गे चली गई, फिर वो चीज भी मिल गई, वासना फिर अग्गे चली गई, जो हुण भी कोल नहीं है उन्हू देखन लग पई, ये वासना तृष्णा बन जाती है, इसे नू तृष्णा कहते हैं। वासना पहले एक वस्तु ते टिकी है, मिल गई है, वासना फिर अग्गे चली गई, मिट्टी नहीं, टिकाऊ नहीं, वो भी मिल गई, वासना फिर अग्गे चली गई। इन्हों कहते हैं हुण ये वासना तृष्णा हो गई है, ते तृष्णा इस तरह है जिवें बांबड़ बलदी अग दे लकड़ां पाई जाइए, ते अग नू पुछिए तू रज गई कि नहीं, ईंधन तो बालन तो अग नहीं रजती, तृष्णा कदी तृप्त नहीं आती, तृष्णा मनुख नू सदा अतृप्त रखती है, भुखा रखती है। और ये भी सुन लो, तृष्णालू मनुख के अंदर कोई गुण नहीं आता, नहीं आता, कोई कोमलता नहीं आती। तृष्णा बनती किस तरह है, वासना कामना ही तृष्णा बन जाती है। और वासना दे केंद्र तीन, मैं फिर अर्ज करा, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। वासना असीम हो गई है, रुकती नहीं है, तृष्णा बन गई है, ये हुण भ्रष्ट हो जाएगा, इस वासना दे दरिया विच डुब जाएगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, मैं मनुखता ते निगाह मारदा की देखदा, हम देखा तें डुबे अले, डुबदे पे सब गर्क ने, सब डुबे हुए ने, मैं तो ऐसा देखदा। ये भी मैं अर्ज कर दिया नुकता, कोई पानी का सुभाव नहीं है मनुख नू डोबना, नहीं डोबना, पानी का सुभाव ही नहीं है डोबना। अगर पानी का सुभाव डोबना होंदा तो फिर कुत्ते डुबने चाहिए सन, मज्जां डुबनिया चाहिए सन, गवां डुबनिया चाहिए सन, शेर डुबने चाहिए सन, बिल्लियां भी तैरदियां ने, कुत्ते भी तैरदे, गवां भी तैरदियां ने, मज्जां भी तैरदियां। हैरानगी, शेर भी तैरदे ने। केरला विच देख के मैं दंग रह गया, 60 फुट गहरे पानी विच हाथी इशनान पिया करता है, गहरा अंदर चला गया, फिर उपर आ गया, तैरदा पै, मैनू इंज लगे जिवें पहाड़ पानी दे तैरदा पै, इन्ना वड्डा भारी बरखम जिसम। काफी चिर होया इस दृश्य नू देखिया, मैनू ये ख्याल मैनू उत्थों मिलिया, कहा पानी का सुभाव डोबना नहीं है, नहीं तो हाथी डुबना चाहिए सी, इन्ना गहरा पानी है झील का, ये तैर रहे गौं तैर दियां ने, घोड़े तैर दे ने, मज्जां तैर दियां ने, बिलियां तैर दियां ने, कुत्ते तैर दे ने, बदकिस्मती है मनुख डुबदे ने, मनुख डुबदा। ते हुण पानी कोल पुछ लईए, ओ बिलियां नाल तेरी दोस्ती है, कुत्तियां नाल तेरी दोस्ती है, मनुखां नाल तेरी दुश्मनी है, कुत्ते ते तैरदे ने, सप तैरदे ने, इन्ना जहरीला जानवर तैरदा, कोई नहीं डुबदा, घोड़े तैरदे ने, मज्जां तैरदियां ने, हाथी तैरदे ने, शेर तैरदे ने, चीते तैरदे ने, मनुख डुबदे ने। मनुख डुबदा है, अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तवाजन खो बैठता, वरना पानी मनुख नू भी नहीं डोबदा।
कुछ सियाने कहते ने जिन्हें किधरे पानी विच एक दिन भी जो है तैरना सीखिया ते तैरदा है जीवन भर इसनों नहीं भुलेगा। बाकी विद्या कला भुल सकती है, तैरना नहीं मनुख भुलदा। जम्मू तवी विच मैं एक दफा अभ्यास किया, मैं कह 30-40 साल हो गए, बहुत पुरानी गल, पाकिस्तान तो आए सी, दरिया विच तैरदे होंदे सी, टोची देखदे आ जिस तवी विच, भुल गया कि मैनू आउंदा है। दो तीन चंगे तैराक विचकार सन, मैं कह देख लेना जे डुबा तो फिर संभाल लेना। मैं तजर्बे दे तौर ते देखिया नहीं डुबिया, मैं तैरना मनुख नहीं भुलदा। अगर आ गया किसी नूं भी आ गया, बाकी भुल सकदा है, संगीत सीखिया अभ्यास नहीं करेगा भुल जाएगा, तबला सीखिया अभ्यास नहीं करेगा भुल जाएगा, कोई भी कर्म कोई भी कृत अभ्यास नहीं करेगा भुल जाएगा, तैरना मनुख नहीं भुलदा। प्रकृति कुदरत भी चाहती है मनुख ना डोबे, ये ना डोबे, और वाकई पानी मनुख दा वैरी नहीं है। तुसी आखोगे फिर डोबदा क्यों है, हैरानगी है, जिंदा मनुख डुबदे ने, लाशां ते तैर दिया ने, मुर्दे ते तैर दे ने। मैं बनारस देच प्रयागराज देच देखे जिन्हों जल प्रवाह करते ने, गंगा देच बहुत वड्डा पत्थर उन्हां दे नाल बनते ने, हद हो गई, बंदा तो उंज डुब जांदा है, ये मुर्दे नाल पत्थर बनने ने, ये डुबदा ही नहीं, लाशां तैर दियां ने, जिंदा मनुख डुबदे ने। कारण कि भय करके जिंदा मनुख अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तवाजन खो बैठता है, संतुलन गवा देता है, पानी उसनों डोब देता है। चिंता करके फिक्र करके तनाव करके मनुख संसार विच डुब जाता है, वरना संसार का सुभा ही नहीं है किसी नूं डोबे, संसार नहीं डोबदा किसी, यह भी मैं। अगर राजपाठ कुर्सी डुबदी है तो जनक डुब जाना चाहिदा सी, जनक ते नहीं डुबिया, महाराजा रणजीत सिंह डुब जाना चाहिदा सी, उते नहीं डुबिया। अगर ग्रस्त परिवार डुबदा है तो फिर कबीर भी ग्रस्ती सन, रविदास भी ग्रस्ती सन, डुब जाने चाहिए, इस सदना भी ग्रस्ती है, तो लोचन भी ग्रस्ती है, तो डुब जाने चाहिए, राम भी ग्रस्ती ने, श्री कृष्ण भी ग्रस्ती ने, तीन सिर मोर देवते ब्रह्मा विष्णु महेश ग्रस्ती ने, ग्रस्ती ने, डुब जाने चाहिए। परिवार नहीं डोबदा, धन संपदा नहीं डोबदी, धन भगत कमांदे रहने किरत करके, और बहुत सारे छोटी दे संत अवतारी पुरुष ते राजे सन, राम अयोध्या दे नरेश राजे सन, जनक राजा है, हरिश्चंद्र राजा है, बड़ी धन संपदा, महाराजा रणजीत सिंह महाराजा ने बड़ी धन संपदा, होते नहीं घर को न पदार्थ डोबदा, न परिवार डोबदा, न प्रभुता डोबदी है, न कुर्सी डोबदी है, चौधरपना नहीं डोबदा, पर मनुख डूब जाता है, बैलेंस बिगाड़ बैठता है, संतुलन गवा बैठता है, तवाजन खो बैठता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मैं देखदा दुनिया ते डूब रही है, डुब रही है। योगियां दे सिरमौर योगी उस वक्त, गोरख दे चेले चरपटनाथ, धन गुरु नानक देव जी महाराज ते एक प्रश्न करते हैं, सिद्ध गोश देश दर्ज है, दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाइए पारो,
ਇਹ ਜੋ ਨਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਦੁਸਤਰ ਹੈ ਬੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਜਾਈਏ ਡੋਬਦਾ ਤੇ ਡੋਬਦਾ महाराज कहते मैं तो देखदा मनुख डुबे पैने कोई परिवार ऐसा गर्क है निरंकार भुल गया कोई लोभ वासना करके धन संपदा दे इतना डुबे है परमात्मा नु भुल गया कोई हंकार वासना करके प्रभुता च चौधर पने च इतना डुबे है प्रभु नु भुल गया यही कुछ तुसी देखोगे डुबे हुए मनुख गर्क होए मनुख कोई पदार्थां डुबे पै कोई परिवार विच डुबे पै कोई प्रभुता च डुबे पै हम दे खांत हैं डुबे ये योगी चरपटनाथ जो ग्रस्त नु छोड़ के आया है पदार्थां नु छोड़ के आया है जोगी बने है महाराज नु कहिंदा है सागर नहीं तरिया जांदा कठिन है ओख है दुनिया सागर दूतर कहिए क्यों कर पाइए पारो चरपट बोले अवधो नानक देव सदा सचा बिचारो ए अवधूत नानक जी ए महात्मा नानक जी दसो पार किवें जाइए तो इत्थे ते जोगी ने कबूल कर लिया उरारा जे मैं नहीं पार होया कबूल कर लिया क्यों कर पाई है पार किमें पार होई है सतगुरु नानक देव जी महाराज दी विनम्रता निर्माणता मिठास आप कहिंदे ने आपे आखे आपे समझे तिसक्या उत्तर दीजे साच कहो तुम पार गरामी तिसक्या बैसन दीजे तू जो कुछ पुछदा पे है जानदा है उन्हों मैं की समझावा ते की जवाब दिया साच कहो तुम पार ग्रामी तू ते योगी है पार ग्रामी पार पहुंच गए तेरा ग्राम तेरा वसेबा ते पार एक नो कहने न पार ग्रामी संसार तो पार हो गया है पार वसदा है एक नो कहने न पार दर्शी निगाहां पार वेख दिया ने जाना है कदम उरार खड़े ने नजरां ललचा रही ने पार जाना है नजरां बेताब ने जो कुछ देख दे पया जिथे मेरी निगाह पहुंची है उथे मेरे कदम भी पहुंचन मेरा हाथ भी पहुंचे इस तरह दे मनुख नूं कहिंदे ने पारदर्शी पर जिहदियां नजरां भी पार नहीं जांदियां खड़ा उरार है ते कहिंदा उरार बड़ियां मौजां ने यही सब कुछ इहनूं संसारी कहिंदे ने पारदर्शी नूं अभ्यासी कहिंदे ने पारग्रामी नूं संत कहिंदे ने पारग्रामी पार पहुंच गए पारदर्शी इहदियां नजरां पार तक वेखदियां ने इहनूं समझ है इहदियां निगाहां पहुंचियां ने उस अवस्था तक जिहनूं हासिल करना है उहदी समझ आ गई साधना कर रहे अभ्यासी है पारदर्शी है पारग्रामी है तीसरा संसारी उरार खड़ा है ना नजरां पार वेखदियां ने ते ना ही पार जान दी तमन्ना है ए जग मिठा अगला किंडिठा छड़ो पार लेनो की रखे है उरार वासना दा जगत है उरार कामना दा जगत है पार जान दी ते हुण तमन्ना ही नहीं रही इच्छा ही नहीं तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी हम कहियत है कल युग के कामी इस युग दा सिर मोर औगण काम वासना पिछले युग लंगे ने जिन्हां दे कुछ सिर मोर औगण सन किधरे अहंकार वासना किधरे लोभ वासना इहदा इह मतलब नहीं
कि एको ही वाशना प्रधान है, नहीं सारिया ने, लेकिन प्रधान एको है, बाकी जेर साया है। मैं पहले अर्ज की है, हर मनुख का बुनियादी अवगुण एक आंदा, बाकी अवगुण भी होंगे ने, उहदे जेर साया होंगे। हर युग का अपना अवगुण होंदा, एक अवगुण प्रधान होंदा, बाकी जेर साया होंदे ने। इस युग का प्रधान अवगुण महाराज दसदे ने काम वासना, कल कल वाली काम मद मनवा पेवन हार। कामना सर्कल देच घूमती है, चक्कर देच, दायरे देच। प्रथम काम वासना, रूप वासना, फिर पुत्र दी वासना, मित्र दी वासना, धन दी वासना, पदार्थां दी वासना, होर छोटियां छोटियां वासना, चंगे रहन सहन दी वासना, खाण पीण दी वासना, फिर वासना आके केंद्रित हो जाती है रूप ते। यही कारण है कि गुरबाणी और साडे देश दे सारे साधु जन पुरुष नूं जिथे काम कह देंदे ने, गुस्ताखी माफ, स्त्री नूं काम नहीं कह देंदे। काम नहीं, कामना दी मणी, मनुख दी कामना वक्ती तौर ते जिथे रुकदी है। छले कनक कामने, गुरु अर्जन देव जी, छले मनुख छलिया जांदा है, कनक कामने किधरे लोभ करके, धन करके, कनक सोने करके, किधरे रूप करके छलिया जांदा, किथे परमात्मा चेते आंदा है। सार किताबली दा करता कहिंदा है, कनक कनक ते अधिकता, कनक कनक ते बहुगुणा, सत गुणा अधिकाए, वा खाए बौरात है, वा पाए बौराए। कनक कहिंदे ने सोने नूं, कनक कहिंदे ने भंग नूं। कहिंदा है एक सोना कनक, एक भंग कनक, दोहां नूं कनक कहिंदे ने। भंग कनक ये खाइए पीए ते नशा चढ़ जाता है, बंदा पागल हो जाता है। कहिंदे एक नूं खांदिया बंदा पागल हो जाता है, एक ते सिर्फ हाथां च आ जाए ते बंदा पागल हो जाता है। वाह खाए बौरात है, भंग खा ली ते पागल हो गया है। वाह पाए बौरात, धन सिर्फ हाथां च आ गया ते पागल हो गया। तवाजन खो बैठा, हथां च ही आ गए, बस हथां च आंदे ही डूब गया। वाह खाए बौरात है, या पाए बौरा है। तुलसी कहिंदे ने, सो को जन्म है जग माई, प्रभता पाए जासमत, चौधरपणा मिल गया धन करके या शक्ति करके, ऐसा केड़ा मनुख है जो प्रबल अहंकारी ना हो जाए और गर्क ना हो जाए, डूब ना। ऐसो को जन्म है जग माई, प्रभता पाए जा समझ नाए। तो काम ए वासना सिरमौर इस युग दे, अजोका साहित्य, अजोका लिटरेचर जो बाजार दे च बिक रहा है, 90% कामक है। अजोकियां जो फिल्मा ने 100% कामक ने। गजब की गल, वेचना कपड़ा है, रूप स्त्री का अगों किया हो, वेचनी सैकल है, खड़ी स्त्री की हुई है, जिमें सैकल सिर्फ स्त्री ने चलानी है, पुरुषों ने चलानी ही नहीं। कपड़ा नहीं बिक रहा, सैकल नहीं बिक रही, कार नहीं बिक रही, मूल रूप देते स्त्री बिक रही है, स्त्रियों के बाजार। मनुख की वाश हम कहीयत कल युग के काम, ए वासना प्रधान। इस वास्ते ए भ्रष्टपना मनुख दी जिंदगी चारों पासे देखोगे। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, पुरुष दे चेहरे विच ते स्त्री दे चेहरे च प्रकृति ने फर्क रखा है। स्त्री नूं होर ढंग दा सौपण दिता है, पुरुष नूं होर ढंग दा सौपण दिता है। ये दाड़ा पुरुष का शिंगार है, शिंगार है,
वो नहीं संगा रहे, स्त्री दे चेहरे ते नहीं है। और बड़े ध्यान नाल सुनना, कुछ धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते हैं मदीन नालों नर ज्यादा खूबसूरत है। चलो दो चार उदाहरण दें। शेर बबर उदी गर्दन दे भरवें वाल, उदा रोबेला चेहरा, उदे कोल खड़ी शेरनी बिल्कुल फिक्की लगती, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जितना सुंदर मुर्गा है, मुर्गी तो उदे सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। शीश दी कल दी भरवी गर्दन, जितना नर चिड़ा खूबसूरत है मदीन नहीं है, जितना नर तोता खूबसूरत है मदीन नहीं है, ते जितना नर मोर सुंदर है लंबे लंबे पंख, मोरनी बिल्कुल फिक्की, कुछ भी नहीं। देखा होगा मोरनी को लंबे पंख नहीं होंगे। कई लोग ते जंगलों च जाने, राजस्थान दे जंगल हुण ते शहर च भी बड़े मोर भरे पे ने, उहदे कोल ही मोरनी खड़ी आउंदी है, उस ते निगाहां नहीं जांदियां, मोर ते जांदियां। मोर सुंदर है। इत्थे दो चार मैं उदाहरण दिते ने कायनात दे च, कुदरत ने नर नूं ते आप ही शिंगारिया है। इस्त्री दा शिंगार किसे होर ढंग दा है। मां बनन दी बहुत वड्डी सौगात उसने इसकी झोली च पा दित्ती है, वो पुरुष कोल नहीं है। चूंकि पुरुष नूं ने ते रब ने जो है शिंगारे होया शिंगारे है, तो स्त्री विचारी नूं शिंगार करना पैंदा है, करना पैंदा है। गुस्ताखी मां चूंकि एक बहुत वड्डी सौगात परमात्मा ने स्त्री नूं दित्ती है, मां बनन दी है, मनुख दी जन्म लाती है, मनुखता दी जन्म लाती है, तो फिर मनुख दे अंदर भी ईर्षा पैदा होंदी है, मैं भी कोई बनावा। वो जीव दे जाग दे मनुखा नूं जन्म देंदी है। ये पुरुष चित्रां नूं जन्म देंदा है, तस्वीरां नूं जन्म देंदा है। चंगे चित्रकार पुरुष मिलणगे, चंगे संगतराश पुरुष मिलणगे, चंगे कवि कदी कदा दस भी कवियों कोई कद कवित्री हो जाए तो हो जाए, नहीं तो पुरुष ने। दार्शनिक फिलोसफर चिंतक पुरुष ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट पुरुष ने। जिंदगी के हर शोबे च अगे ऐ कुछ बनाइए, ऐ कुछ बनाइए। मनोचिंतक तो कहते ने स्त्री ने पुरुष को जन्म दिता, तो पुरुष सोचता हूं मैं भी तो किसी चीज को जन्म दें। जिंदा मनुखता नो जन्म दिता स्त्री ने, महान है। मुर्दा चीजा नो जन्म देंदा है पुरुष, इस मामले च पछड़े आया। कुदरत ने मनुख नो शिंगारे है, इस दे च पुरुष अगे है। स्त्री नो इस तरह का शिंगार नहीं दिता, पछड़ी हुई है। एक थां ते स्त्री पछड़ी हुई है, एक थां ते पुरुष पछड़े आए। पर हुण कीता की जाए, ये दोवें एक दूजे तो कशिश दे जीवदे ने। पुरुष जो है स्त्री की कशिश दे, स्त्री पुरुष की कशिश, पुरुष के अंदर पुरुष की कशिश नहीं आती, स्त्री की आती है। वो स्त्री चाहे मां है, भैन है, पत्नी है, चाहे धी है, कशिश स्त्री की आती है। गुरु नानक ते कहिंदे बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा। मैं सतगुरु की पंक्ति पढ़ी, दंग रह गया। छोटी जी मासूम बच्ची है, प्यो की परिक्रमा करती है, प्यो नूं देखदी, उहदे पैरां नाल लपकदी, प्यो भी उस नाल बड़ा प्यार करदा, मां दी तरफ नहीं जांदी। क्यों? मां वर्गी ते है ही, मां वर्गा तन ते उहदे कोल है, पिता तो प्रभावित। स्त्री जीवदी है पुरुष दे कशिश दे च। ए पुरुष चाहे पिता है, चाहे भरा है, चाहे पति है, चाहे पुत्र है, पुरुष जीवदा है स्त्री की कशिश दे। चाहे स्त्री चाहे मां है, चाहे भैन है, चाहे पत्नी है, चाहे धी है, विपरीत की कशिश। कि जब विपरीत की कशिश है तो कई दफा स्त्री च ख्याल आ जाता है पुरुष जैसे बन जाइए। तो पुरुष का स्वभाविक परमात्मा ने कद उच्चा बनाया, जरा स्त्री नालों उच्चा बनाया, तो स्त्री च भी ख्याल आया। हुण उच्चा ते कुदरत ने नहीं बनाया, चलो उच्ची सैंडल पा लैने,
वड्डे एक एक गिट वर्गे भावे गिर के पैर अपने तुड़ा बैठे कद जो छोटा है। स्त्री जैसे पुरुष जैसे कपड़े पाने, पुरुष जैसी चाल करनी है नखर। एक चमेली गुलाब बनने की कोशिश करे गुलाब ते नहीं बन सकेगी, पर चमेली बनना भी उदे लिए औखा हो जाएगा। एक गुलाब अगर कमल होना चाहे कमल ते नहीं हो सकेगा, लेकिन सही ढंग दा फिर गुलाब भी नहीं बन सकेगा। अगर एक स्त्री स्त्री होंदे होया पुरुष होना चाहे पुरुष ते नहीं हो सकेगी, ढंग दी स्त्री भी नहीं बन सकेगी। पर एक पुरुष अगर स्त्री होना चाहे होंदा श्रृंगार दिता है ना परमात्मा ने दाड़ा, और दाड़े की अपनी सीमा आती है। मैं 40 साल तो देखता इत इतें ही रुकया पिया, एक अद्धा इंच भी अगे नहीं बढ़ता इत ही है। तो जेडे रोज जंग करते हैं कैंची छुरे लेके उन्होंने तो मरदे दम तक बढ़ते हैं, और वधदे वाल कह देंगे ने कितने तू छुरे लिया कितनिया तू कैंचियां लिया तेरिया सारिया खुंडियां कर देंगे मैं रवा मरदे दम तक रहा। हुण मैं अर्ज करा चूंकि विपरीत दी कशिश है, स्त्री पुरुष वर्गा बनन दी कोशिश कर दी है, पुरुष स्त्री वर्गा, तो स्त्री नो सुहप्पन पुरुष देश दिखाई देंदा है, पुरुष नो सुहप्पन स्त्री दिखाई देंदा है। तो फिर की करे हुण पुरुष फिर स्त्री वर्गा बने, फिर चला जाता है नाई की दुकान पर, कहिंदा है उस्तरे ते कैंचियां नाल मेरा मुखड़ा इंज बना दे जिवें परमात्मा ने स्त्री का बनाया नारी का बनाया बनाया प्रभु ने वख वख स्त्री वर्गा बना दे। अज तक कोई मोर नाई की दुकान पर नहीं गया मेरे पंख कट दे ते मैनू मोरनी वर्गा बना दे। कोई शेर भी नहीं गया मेरे गर्दन दे वाल कट दे ते मैनू शेरनी जैसा बना दे। कोई मुर्गा भी नहीं गया मेरी कलगी कट दे मेरी गर्दन दे पंख कट दे ते मैनू मुर्गी जैसा बना दे। ये मूर्खता सिर्फ मनुख ही करता है, पशु नहीं करता, पशु नहीं करता, मनुख करता है। मनुख नू ये श्रृंगार दिता है। मैं अर्ज करा जिस दिन वाकई वेखण वाली अख होगी दाड़े तो बिना चेहरा पुरुष का नहीं चंगा लगेगा, नहीं चंगा लगेगा। हुण मैं हैरान हाँ दाड़े वाला चेहरा स्त्री का भी नहीं चंगा लगेगा। क्या पसंद करोगे स्त्री नू दाड़ी आवे मुछां आवन? ते मैं कहना जिन्हों नहीं आउंदियां पुरुष जो नहीं आउंदियां दाड़ी ते मुछ उन्हों खोदा कहिंदे ने, इह ते खोदा। और मैं हैरान होया कि रागी सिंह सी बड़ा सुंदर कीर्तन करदा सी पर खोदा दाड़ा नहीं सी, कानपुर दा सी वासी, मुछा नहीं सन। 50-60 साल दा हो चलिया सी, हर शहर विच वैद हकीम नूं कहिंदा सी कोई दवाई है ऐ दाड़ा आ जाए मुछा आ जाए। कीर्तन करदे आ गुरु दे दर ते चंगा नहीं लगदा, मैं ऐ शिंगार मेरे कोल नहीं है। जगह जगह दवाई पुछदा सी, एक दिन किधरे मेरे कोल पुछ बैठा, मस्कीन जी सुने है कोई बाबा बलवंत सिंह नाल तुसी रहे हो ते निर्मले लोग दवाइयां दे बड़े ज्ञानी आंदे ने, तुसी शायद उन्हां कोल कोई नुक्सा सिखिया होवे, कोई ऐसी दवाई दाड़ा आ जाए। मैं कहा हद हो गई, जिन्हां नू दाड़ा नहीं आउंदा वो दवाई लभदे ने, जिन्हां नू आ जांदा वो नाई लभदे ने। ऐ नहीं समझ आउंदी, ऐ नहीं समझ आउंदी। खोदा मनुख नहीं चंगा लगता, परमात्मा ना दिता होया शिंगार है। हजरत ईसा मोहम्मद साहब तमाम ऋषि मुनि अवतारी पुरुष ऐ शिंगार है, उन्होंने स्त्री का एक सिंगार है।
ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। ਜੀਵ ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਕਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪੁਰਸ਼ ਜੈਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪੁਰਸ਼ ਜੈਸਾ ਕੱਦ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੋ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, 20% ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਕਲ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਦਾੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਨੇ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਨੇ, ਸਜਾਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਰਦ ਜੈਸਾ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਜੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਤੇਰਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਸ਼ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਤਨ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਤਨ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਕਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਜੈਸਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਜੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁਰਸ਼ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ 'ਚ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਤਰੀ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼, ਪਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਪਰੀਤ ਦੀ। ਇਸ ਵਿਪਰੀਤ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਛਲੇ ਕਨਕ ਕਾਮਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਛਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਨਕ ਕਾਮਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਫਿਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਕਾਮਨੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਮਨਾ ਪੈ ਜੋ ਹੈ ਕਾਮਨੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਮਣੀ, ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਮਰਾਜ। ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਪੁਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਲ ਦੇ 'ਚ, ਇਸਤਰੀ 'ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ, ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਐਸਾ ਹੈ, ਬਸ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਅਗਰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਆਫਿਸ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਲਚਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਔਰ ਧੰਦੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਰੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਧਰਮ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾ ਵਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਮਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਧੰਦਾ, ਕਥਾ ਵੀ ਧੰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਧੰਦਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣਾ ਵੀ ਧੰਦਾ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣਾ ਵੀ ਧੰਦਾ,
पर मैं भावना करके कर रहा और भावना नाल मैं बाजार विच बैठा तो यकीन जानो दुकान भी हरी मंदिर बन जाएगा। खड़ी ते कपड़ा बुनदियां बुनदियां कबीर प्रभु नाल जुड़ जाता है। चेले रोकते ने हुण ते कपड़ा ना बनो थानू लोकी ब्रह्म ज्ञानी कहते ने, कहिंदे जद मैं कपड़ा बुनदा सी उदों तुसी मैनू कदी नहीं रोकिया क्योंकि कपड़े बुनना सिर्फ मेरी रोजी सी मेरा धंधा सी ते हुण ते मेरा धंधा ही धर्म बन गया। मैं ते भावना करके बैठ हुण तुसी कहिंदे हो ना करो हुण ते मेरा धंधा भी धर्म बन गया। भावना अधीन कर्म धंधे नू धर्म बना देंदे ने, वासना अधीन कर्म धर्म नू भी धंधा बना देंदे। महाराज कहिंदे ने इतनी कामना प्रधान धंधा ही धंधा चल रहा है धर्म नहीं चल रहा, मनुख दे नाल धर्म नहीं चल रहा धंधा चल रहा है, परिवार चल रहा है धन संपदा चल रही है प्रभुता चल रही है मनुख दे नाल प्रभु नहीं चल रहा। यह सारा खुलासा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च जिस तरह है तुझ बुद्धि अनुसार थोड़ा जिहा मैं थोड़े सामने रखिया। भावना करके गुरुद्वारे आवना है, वासना करके कामना करके बाजार विच जाना है फैक्ट्री जाना है ऑफिस विच जाना है, पर जे इत्थे भी कामना करके आ गए फिर गुरुद्वारे नहीं आए। जे असी ते बकायदा अरदास करदे हैं फलाने की यह मनोकामना फलाने की यह मनोकामना, फिर हुण सुन लो काहों फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संगराज। इत्थे ते सारियां कामनावां परे सुट गया, किथे सुट के आईए कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे को। जिथे जोड़े ला के आया ना कामनावां उत्थे ला के थे आ। फिर प्रभु तेरी झोली आत्मक रस नाल भर देगा आनंद नाल भर देगा, गुरु तेरी झोली दे रब्बी गुण पा देगा। इस तरह दे जीवन दा ढंग सानू आ जाए तो मैर्ज करा परिवार विच बैठे भी असी निरंकार विच बैठे होवांगे दृष्टि बदल जाएगी। मात पिता सुत बंदव भाई नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। हे पार ब्रह्म तू मेरा मददगार बनया, किधरे पुत्र बन गए किधरे पिता बन गए किधरे दादा बन गए किधरे भरा बन के किधरे भैन बन के, तू मेरा सहयोगी बने है किधरे पति बन के किधरे पत्नी बन के, परिवार निरंकार का रूप हो जाएगा दृष्टि बदल गए। एक ढंग है कि परिवार भी हरि मंदिर बन जाता है निरंकार का रूप है, एक ढंग है कि गुरुद्वारा भी संसार बन जाता है मंदिर भी संसार बन जाता है। जितनी मैं थोड़ी बहुत समझ सी ते जितना मैं खोल सकता सी जिहड़े जिहड़े लफ़्ज़ सतगुरु ने मैनू दिते मैं थोड़े सामने रखे ने। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज थोड़ी भावना उजागर करे कीर्तन दे राही कथा दे राही इस पाठ दे राही, क्योंकि भावना उजागर हो जाती है तो जीवन च भगवान प्रगट हो जाता है परमात्मा प्रगट हो जाता है। इस तरह की अवस्था साड़ी बने सारिया का बार बार धन्यवाद। बोल चुक दी शमा वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।